खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, तुझे सब हासिल होगा, तू जिद पे अड़ तो सही। नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के इस खास एपिसोड टॉपर्स टॉक में, जिनमें आज हम बात करेंगे वीरेंद्र से, जिन्होंने 268 मार्क्स लाके बीए कॉमन एंट्रेंस 2020 में रैंक 12 हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं इनका संक्षिप्त परिचय करा दूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, इनका नाम वीरेंद्र पाल है, इनके पिताजी का नाम बाबूलाल, माताजी का नाम उर्मिला देवी, और ये जिला अमेठी के मकूनपुर के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इनको इस बेहतरीन सफलता के लिए आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। आप इस सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? हम अपनी सफलता का श्रेय अपने घर वालों और बीएचयू वर्ल्ड की टीम को देना चाहेंगे, क्योंकि अगर बीएचयू वर्ल्ड से हम ना जुड़े होते तो शायद हमें सफलता ना मिलती। धन्यवाद। आपको बता दें कि हम इस इंटरव्यू को 3 पार्ट में बांटे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं इनसे कुछ प्राइमरी क्वेश्चन लूंगा, बेसिक क्वेश्चन लूंगा, जो इनके प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहेगा। सेकेंड पार्ट में मैं इनके बीएचयू एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा इनसे, और थर्ड पार्ट में मैं इनसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करूंगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की ओर चलता हूँ। इसमें सबसे पहले आप बताएं वीरेंद्र कि आपने 12th की पढ़ाई कब पूरी की, उसमें क्या आपका स्ट्रीम था, आपने कितना परसेंट मार्क्स गेन किया? सर, हमने 12th तक की पढ़ाई श्री रणवीर इंटर कॉलेज अमेठी से की, जहां मेरा बैकग्राउंड साइंस था, और हमने 12th में 62 मार्क्स अचीव किए। साइंस में आप मैथ पढ़े थे या फिर बायोलॉजी? सर, साइंस में हम मैथ बैकग्राउंड से थे, लेकिन हमारा मैथ में वैसे मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छी बात है, इनका साइंस बैकग्राउंड था, मैथ बैकग्राउंड था, लेकिन इन्होंने बीए में 12 रैंक हासिल किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सबसे पहले ये बताइए वीरेंद्र कि आप साइंस से फिर आर्ट्स में क्यों टर्न कर गए? देखिए, आर्ट जो है, इसमें आर्ट में इंटरेस्ट सबका होता है, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। मेरा भी इंटरेस्ट था, लेकिन हम चले आए। इनका कहना है कि आर्ट्स में सबका इंटरेस्ट होता है, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो आप जब आर्ट्स में आए, आर्ट्स से साइंस में आए, तो आपको डर नहीं लगा कि अच्छा, हम 12th में साइंस पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, और यहाँ बीए में उससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, तो आपको कुछ भय नहीं लगा था? नहीं सर, भय तो नहीं लगा था, लेकिन एक डर था कि क्या होगा आगे, लेकिन इंटरेस्टिंग आर्ट पढ़ता है आर्ट, इसलिए आर्ट में चले आए फिर। अच्छा, इंटरेस्टिंग के कारण मुख्य रूप से इन्होंने अपने इंटरेस्ट को पहचाना। तो आपने 12th कब की वीरेंद्र? सर, हमने 12th 2019 में की, और आप 2020 में यहाँ का एग्जाम दिए बीएचयू का, और यहाँ सफलता पाए, तो एक साल का यह गैप क्यों लिया आप? सर, वैसे तो हम गैप नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हमारा एयू में एडमिशन हो गया था, लेकिन हॉस्टल ना मिलने के कारण हमने छोड़ दिया। तो इन्होंने हॉस्टल नहीं मिलने के कारण इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, तो आपने ऐसा क्यों किया, इससे पढ़ाई का क्या रिलेशन है? सर देखिए, अगर हॉस्टल मिल जाता तो ठीक रहता, नहीं मिला तो इससे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की दिक्कत थी, इसलिए नहीं लिए एडमिशन फिर। मतलब हॉस्टल मिलने से इनको फाइनेंशियल सहूलियत मिल जाती, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी पढ़ाई कितना महंगा हो चुका है, बाहर में रहना, खाना पीना का व्यवस्था करना कितना मुश्किल है, और सिर्फ फाइनेंशियल रीजन के वजह से इन्होंने एक साल का गैप लेना समझा, और कठिन मेहनत करके बीएचयू में इन्होंने रैंक 12 हासिल किया। यह सोचिए, इनकी मेहनत को दर्शाता है। एक शायरी है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल वह पा लेता है जो हार नहीं मानता। मतलब वीरेंद्र ने हार नहीं मानी, और इन्होंने अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को भी पीछे छोड़ दिया, अपनी गरीबी को भी छोड़ दिया पीछे, और यह बेहतरीन सफलता बीएचयू में पाया है। अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने, वीरेंद्र ने यह साबित कर दिया है। तो आप बताइए वीरेंद्र कि आपने बीएचयू बीए की तैयारी कब से शुरू की? सर, हमने तैयारी 2020 में जनवरी में स्टार्ट कर दी थी। मतलब जनवरी में इन्होंने 2020 के एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी शुरू की। जैसा कि किसी को मालूम नहीं था कि कोरोना होने वाला है, इस कारण 3-4 महीने इनके पास टाइम था। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, जो भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, अच्छा रैंकर बनना चाहते हैं, वो कम से कम अपने एग्जामिनेशन के लिए 4 से 5 महीना समय जरूर दीजिए, क्योंकि इस समय कोरोना था, इस कारण सितंबर में 2020 में एग्जाम हुआ, इस कारण इनके पास अच्छा खासा टाइम भी मिल गया। लेकिन अगर आप 2021 में देना चाहते हैं एग्जाम, तो कम से कम 5 महीना तो जरूर समय दीजिए, जिससे आपको अच्छा रैंक हासिल हो सके। तो वीरेंद्र, आप ये बताइए कि आपको बीएचयू वर्ल्ड के बारे में कैसे पता चला? सर, हमने यूट्यूब पर सर्च किया कि बीएचयू की तैयारी यूट्यूब पर होती है या नहीं, तो वहाँ पर देखने पर हमें पता चला
कि बच्चों की तैयारी कई सारे चैनल करवाते हैं, लेकिन उनके लेक्चर देखे तो हमें उतना अच्छा नहीं लगा। तो बीएचयू वर्ल्ड के बारे में हमें जब पता चला तो उसका लेक्चर उक्चर देखे तो अच्छा था, तो सर ज्वाइन कर लिए। अच्छा, धन्यवाद। तो आप बीएचयू वर्ल्ड, जैसा जानते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, बहुत लोग डरते भी हैं, तो आप बीएचयू वर्ल्ड ज्वाइन करने के बाद आपका सबसे पहला इंप्रेशन कैसा रहा कि अच्छा जब अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, क्या रहा उसके बाद आपका पहला इंप्रेशन? पहला इंप्रेशन तो था सर कि पता नहीं पढ़ाई कैसे होगी और ऑनलाइन कोर्स कैसे चलेगा, यही सब दिक्कत थी। और वैसे कुछ खास नहीं था, अपनी तैयारी हम पहले से जारी रखे थे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई फिर। अच्छा, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कि हम बीएचयू वर्ल्ड क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने इनसे बेसिक क्वेश्चन पूछे। अब सेकेंड राउंड की शुरुआत करते हैं जिससे हमारा है बीएचयू एग्जाम के स्ट्रेटजी को लेकर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एग्जाम को लेके आपका क्या स्टडी प्लान था, आपका क्या इसमें टाइम टेबल कुछ बनाए थे या फिर नहीं बनाए थे, किस प्रकार आप इसका तैयारी किए? सर, हम स्ट्रेटजी यही बनाए थे कि हम जनवरी में अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास कम से कम 4 महीने मिनिमम है, तो 4 महीने में हम अच्छे से तैयारी करें जिससे मेरा टॉप 100 में आ जाए। तो यही स्ट्रेटजी बनाए थे कि हमारा टॉप 100 में आए, क्योंकि हॉस्टल भी चाहिए था इसीलिए। अच्छा, बहुत सारे आपके जूनियर जो रहेंगे वो बहुत सारे कमेंट में पूछते हैं कि सर टॉपर का टाइम टेबल जरूर पूछिएगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो उसमें टाइम टेबल आप बनाए थे कि नहीं, एक टाइमिंग किस प्रकार से हमको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, क्या था आपका टाइम टेबल? सर, टाइम टेबल तो हम 4 महीने में कम से कम 2500 टाइम टेबल बनाए, लेकिन कभी फॉलो नहीं कर पाए। अच्छा। ज़्यादा ज़्यादा 1-2 दिन फॉलो करते थे, उसके बाद छोड़ देते सर। तो इन्होंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये पढ़ाई नहीं करते थे। तो मैं आप अच्छा ये बताइए वीरेंद्र, आपने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया लेकिन कोई रेगुलरिटी थी पढ़ाई में कि मुझे इतना देर पढ़ना है, ऐसा कुछ? रेगुलरिटी थी सर, कभी हम 4 घंटे तो कभी 5 घंटे पढ़ते थे, लेकिन हम गैप नहीं करते थे कि जैसे आज पढ़ लिए तो 3-4 दिन बाद पढ़ेंगे। रेगुलरिटी थी, कभी सुबह उठकर पढ़ लिए तो कभी रात में पढ़ते थे, तो यही स्ट्रेटजी थी सर। मतलब देखिए, टाइम टेबल तो ऐसे अगर आप बना लेते हैं तो सबसे बेहतर है कि आपके पास टाइम टेबल है दिन भर में कैसे तैयारी किया जाए, किस टॉपिक पे कितना टाइम दिया जाए। लेकिन अगर आप टाइम टेबल नहीं भी बनाते हैं, अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन रखते हैं कि मुझे पर डे 5 से 6 घंटा पढ़ाई करनी है, तब आपको इस सफलता से कोई नहीं रोक सकता। रेगुलरिटी जरूरी है, जो वीरेंद्र के सफलता का राज आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि वीरेंद्र ने क्या किया, रेगुलरिटी मेंटेन रखा कि पर डे हमको इतना देर पढ़ना है। अच्छी बात है वीरेंद्र। आप ये बताइए कि आप जब यहाँ अलग अलग सिलेबस आप सबसे पहले देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक थे, रीजनिंग मैथ एक में है, लैंग्वेज एक में है, जीके जीएस एक में है, तो आपको क्या लगता है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस किए और किस पे कम फोकस किए, या फिर सब पे बराबर आप ध्यान दिए? वैसे मेरे पास टाइम था तो हमने सभी टॉपिक को बराबर समय दिया, लेकिन हमने जो लैंग्वेज सेक्शन था उसको बहुत अच्छे से तैयार किया, क्योंकि वो प्लस पॉइंट होता है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लैंग्वेज अगर सॉल्व कर लिए तो जान लो आपका स्कोर अच्छा होगा फिर। तो वीरेंद्र को सुनिए, लैंग्वेज पोर्शन जो 30 क्वेश्चन का रहता है बीए एंट्रेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पोर्शन पे आपका पकड़ होना चाहिए और बाकी सभी फोकस पे, बाकी सभी चैप्टर पे इन्होंने बराबर ध्यान दिया, इस बात को भी ध्यान देना है। लेकिन जो लैंग्वेज पोर्शन है उस पे वीरेंद्र ने ज़्यादा फोकस किया, आपका भी जो पोर्शन मजबूत रहे उस पे जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा वीरेंद्र, आप ये बताइए कि जब आपने बीएचयू वर्ल्ड ज्वाइन किया तो आपको बीएचयू वर्ल्ड द्वारा कंटेंट मिलना शुरू हुआ होगा, तो आपको पहले से जो आप तैयारी कर रहे थे और बीएचयू वर्ल्ड ज्वाइन करने के बाद जो आपको कंटेंट मिलने लगा, उसमें कुछ अंतर आपको आया आपके पढ़ाई के स्ट्रेटजी में? हाँ, वैसे बीएचयू वर्ल्ड का जो कंटेंट था एक डायरेक्शन उसमें थी, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप तैयारी किस दिशा में जा रही है आपको ये नहीं पता चलेगा। तो हमने बीएचयू वर्ल्ड जब ज्वाइन किया तो हमें एक डायरेक्शन मिली कि इस हिसाब से पढ़ाई करनी है, ये करना है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर देखे और टेस्ट सीरीज ली तो बढ़िया से दिए, जिससे मेरा सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिली। अच्छा, तो ये एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि टॉपर से सर जरूर पूछिएगा बुक लिस्ट के बारे में, आपके पास कोई था खास बुक लिस्ट? खास तो ऐसे नहीं था, लेकिन मेरा मानना है सब लोग कहते हैं कि लूसेंट पढ़िए, लेकिन हमने लूसेंट नहीं पढ़ा था। अच्छा, वैसे लूसेंट हमारे पास थी लेकिन पुरानी थी, लेकिन पढ़ते भी नहीं थे उसको। अच्छा। मेरा मानना है कि अगर
आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लीजिए, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। क्योंकि हमें लूसेंट वैसे बहुत ख़राब बुक लगी क्योंकि हम उसे पढ़े भी नहीं और अच्छा और उसमें जो लिखा है सब एकदम बकवास लगता था सब। अच्छा, मतलब एंट्रेंस एग्जाम का रामबाण इनको बकवास लगा। ये मिलिए एक नए तरह के टॉपर हैं जिनको लूसेंट खराब लगा, हो सकता है इनका चॉइस हो। तो आपने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या किया? सर, हमने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक ली, जैसे हम मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, और हिस्ट्री में ज्योग्राफी की अलग, और हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, ये ज़्यादा बेटर लगा हमें। और बीएचयू वर्ल्ड से जो कंटेंट मिलता था उसी को पढ़ते थे। अच्छा, मतलब मुख्य रूप से अलग अलग बुक आप कुछ प्रेफर किए और बीएचयू वर्ल्ड से कंटेंट जो आपको मिला वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद किया। लूसेंट से आप पूरी तरह से नफरत करते हैं? लूसेंट नहीं पढ़े। चलिए ठीक है, अच्छी, हो सकता है आपका ये विचार हो। तो आपके मन में क्या लगता था एग्जाम जब आप देने जा रहे थे कि बहुत भारी होगा एग्जाम, हल्का होगा, एवरेज होगा, आपके मन में क्या चल रहा था जिस समय आप तैयारी कर रहे थे एग्जाम के बारे में? सर, यही लगता था कि हमसे नहीं हो पाएगा और हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारी किस्मत खराब है, यही सब सोचते थे। अच्छा, और एग्जाम से पहले प्रेशर सबको रहता है तो हमें भी था प्रेशर। चलिए, एक आम स्टूडेंट को जिस प्रकार से लगता है कि नहीं हम एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं, हमारे साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये वीरेंद्र को भी लगता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, रेगुलरिटी और कॉन्फिडेंस इसको बरकरार रखा और आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब आप भी अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप इस स्थान पे पहुंच सकते हैं। तो आप ये बताइए वीरेंद्र, कि आपको तो इतना जब मन में संशय था कि किस्मत खराब है या फिर कुछ भी, तो आपको ये आशा था कि आप टॉपर बन सकते हैं? एग्जाम देने के बाद आपको ऐसा फीलिंग आया था कि आप टॉपर बन सकते हैं? नहीं सर, ऐसा फीलिंग तो नहीं आया था कि टॉपर बन पाएंगे, लेकिन हाँ इतना पता हो गया था एग्जाम देने के बाद कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सर, किसी हर बच्चे को लगता है कि हमारा एग्जाम जैसे गया वैसे दूसरे का भी गया, तो वही बात थी। मतलब हर बच्चे की तरह इनको भी विश्वास नहीं था, जैसे आप सूरज का भी इंटरव्यू सुन रहे होंगे, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं सर, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक रैंक लाऊंगा। इन्हें भी ये विश्वास नहीं था एग्जाम देने के बाद कि ये 12 रैंक ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या, एग्जामिनेशन का ईमानदारी पूर्वक तैयारी किया और अपना यह रैंक अचीव किया। तो अब आइए अगले राउंड में चलते हैं, जिनमें मैं इनसे कुछ पर्सनल सवाल करूंगा, जो आपका भी सवाल रहता है, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर, जहां टॉपर से ये बात जरूर पूछिएगा। तो आप ये बताइए वीरेंद्र, कि आप तो रेगुलर पढ़ाई करते थे 6 घंटा, तो पढ़ते पढ़ते होता है इंसान बोर भी हो जाता है, तो आप इसको मिटाने के लिए क्या करते थे? सर, वैसे हम गांव से आते हैं, तो अगर बोर हो जाते थे तो हम गांव में घूमने चले जाते थे सर। तो हमारे दोस्त लोग सब लूडो वूडो खेलते थे, तो हम भी खेलते कूदते थे और मजे लेते थे। अच्छा, मतलब लूडो खेलना, मजा लेना, बाहर घूमना, ऐसे कोरोना था इनके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के टाइम में, लेकिन फिर भी ये गाँव में बाहर घूमते थे, कोई बात नहीं। तो आपसे मैं एक सवाल करूंगा जो हर टॉपर से यहाँ पूछा जाता है बीएचयू वर्ल्ड में, कि और उसका 4 ऑप्शन भी रहेगा, आप अगर सुने होंगे सूरज का पहले से तो आप जानते भी होंगे ऑप्शन, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि पढ़ते पढ़ते जब आप बोर हो जाते थे तब आप क्या करते थे? पहला ऑप्शन है कि गर्लफ्रेंड से बात करते थे खेल के मैदान में, दूसरा ऑप्शन है गर्लफ्रेंड से बात करते थे बाजार जाने के बहाने, तीसरा ऑप्शन है गर्लफ्रेंड से बात करते थे घर से छुप छुप के, और चौथा ऑप्शन है सिर्फ गर्लफ्रेंड से बात करते थे। सर, सर आपके प्रश्न का उत्तर अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में ही नहीं है? अच्छा, इसका उत्तर अभी अस्तित्व में ही नहीं है, आगे की संभावना है? हाँ, आगे देखा जाएगा फिर जो होगा। अच्छा, देखिए मतलब इनका कॉन्फिडेंस लेवल, कि अब आप ये 12 रैंक किए हैं तो आगे की इनकी संभावनाएं बहुत दिख रही है, अच्छी बात है। चलिए, हम लोग यह क्वेश्चन क्यों रखते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश लोग खास करके टीनेजर में इस सवाल से बचना चाहते हैं, इस सवाल से कन्नी काट के निकलना चाहते हैं, लेकिन आज यह वास्तविकता भी है और यह एक ऐसा एज होता है टीनेजर्स का जिसमें बहुत सारे भटकाव भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी दोस्त से बात करना गलत है या फिर ग्रुप करना गलत है, लेकिन अगर आपका यह पढ़ाई में नुकसान कर रहा है, आप अगर इसको लत बना रहे हैं, किसी से बात करने अगर आपकी लत बन जाती है, तो वह कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में जरूर नुकसान करेगा, जो आपके लिए आगे हानिकारक होगा। आप बात करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पढ़ाई पे जरूर फोकस करिए कि आपका फोकस कहीं नहीं हटे, आपका लक्ष्य क्या है इस पे आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। आप
बाकी क्या करते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपका लक्ष्य क्या है। इस कारण मैं इस सवाल को जरूर रखता हूँ, हर टॉपर से पूछता हूँ, और यह चीज़ जरूर सभी को फॉलो करनी चाहिए। इसके बारे में जरूर खुल के बात करनी चाहिए, अपने शिक्षक से बात करें, दोस्तों से बात करें, गार्जियन से बात करें, अगर आपने कुछ ऐसा है तो ज़रूर बात करें। इस कारण मैं यह सवाल रखता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो वीरेंद्र, आप ये बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबी हमारा सबसे अच्छी हॉबी है रनिंग करना और मूवी देखना, बस ये दो हॉबी है। तो आप मूवी देखते थे क्या एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के टाइम में? हाँ, हम रेगुलर देखते हैं, महीने में कम से कम 15 मूवी देख लेते हैं। महीने में 15 मूवी देख लेते हैं और रेगुलर देखते हैं। तो बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले ही मैं कहा हूँ, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं बस उसमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर डे ये 6 घंटा पढ़ते थे और मूवी भी देखते थे। तो चलिए, मूवी देखना शौक है, अच्छी बात है। आप BHU वर्ल्ड से जुड़े कुछ सवाल का जवाब दीजिए कि BHU वर्ल्ड में आपके फेवरेट मेंटर कौन है? BHU वर्ल्ड में हमारे फेवरेट मेंटर सूरज सर हैं। अच्छा, अच्छी बात है। और सबसे गुस्सैल कौन लगे आपको? वही सूरज सर। सूरज सर इनके फेवरेट मेंटर भी हैं और गुस्सैल भी हैं, मतलब जो गुस्सा से समझाता है वो सबसे फेवरेट मेंटर है। सबसे स्मार्ट कौन है? सबसे स्मार्ट आप हैं सर। अरे थैंक यू। सबसे स्मार्ट हम हैं। और सबसे फनी मेंटर कौन आपको लगे? सबसे फनी मेंटर आशुतोष सर हैं। सबसे फनी मेंटर आशुतोष सर हैं। चलिए, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे, आपके मन से जो कुछ भी लगे BHU वर्ल्ड के बारे में, या फिर जो अपने जूनियर को आप समझाना चाहते हैं, या फिर कुछ भी संदेश जो आप सामने वाले को देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग 2021 तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार हैं तो सफलता जरूर पाएंगे। धन्यवाद वीरेंद्र। मेहनत के प्रति अगर आप ईमानदार हैं तो जरूर सफलता पाएंगे। ये थे वीरेंद्र। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक साधारण पारिवारिक बैकग्राउंड से उठकर एक साल के गैप के बाद भी इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल किया है, जो बहुत बड़ी बात है। आप भी इस सफलता हासिल कर सकते हैं, सिर्फ आपके मेहनत पे विश्वास होना चाहिए, आपको एक सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो अगर आप BHU वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, अब इसमें रजिस्ट्रेशन भी चालू है। अगर आप BHU से जुड़ी कोई भी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चले जाए। मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।